नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप समझते होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंसिल गन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग पेंसिल गन बोलते हैं, कुछ लोग पेन गन बोलते हैं। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है कि इस गन की मदद से जो है हम मूर्ति में सेट देते हैं, यानी जैसे हमारा हाथ हो गया तो हाथ पे जैसे हमको सेट देना है तो पेंसिल गन की ही मदद से हम मूर्ति पे सेट देते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे हमारे फ्रेंड मूर्तिकार भाई हमारे पास सरस्वती पूजा से पहले, यानी जब उनको पेंट करना था तो उससे पहले हमारे पास फोन करके पूछ रहे थे कि सर हमको पेंसिल गन चाहिए, कहाँ मिलेगी और कौन सी पेंसिल गन हमको खरीदनी चाहिए जो कि अच्छा काम करती हो, अच्छे से चलती हो। तो दोस्तों उन लोगों को हमने तो फोन पे बता दिया कि कौन सा आपको खरीदना है, कहाँ मिलेगी, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत सारे मूर्तिकार भाई ऐसे होंगे जिनके मन में ये प्रश्न जरूर होगा, तो मैंने सोचा वीडियो बना दिया जाए इसके ऊपर, ताकि बहुत सारे मूर्तिकार जो इधर उधर भटक रहे हैं पेंसिल गन के लिए वो इस वीडियो को देखने के बाद में उनको कहीं भटकना ना पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि पेंसिल गन आप कहाँ से खरीदें, कौन सा ब्रांड है, कौन सा पेंसिल गन है जो आपको खरीदना चाहिए जो कि चलाने में बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों हमारे पास एक पेंसिल गन है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं चलता हूँ और इस वीडियो में आपको खोल के दिखाता हूँ कि पेंसिल गन कैसा है, कैसा सेट होता है, क्या मैनेजमेंट है उसका। तो मैं आपको पूरा फुल डिटेल में जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा ये पेंसिल गन आपको मिलेगा कहाँ। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में, लेट्स गो। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है हमारी पेंसिल गन जिसकी मदद से, जिसका इस्तेमाल करके हम जो है मूर्ति अपनी पेंट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस गन के बॉक्स के ऊपर आपको दिखा दें, इसकी कंपनी का नाम है आर्ट मास्टर, मतलब ये जो गन है इसकी कंपनी का नाम है आर्ट मास्टर। तो दोस्तों ये आर्ट मास्टर कंपनी की गन है जो कि बहुत ही अच्छी है। दोस्तों मैंने इसका इस्तेमाल किया है, काफ़ी दिन से मैं इस गन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लगभग ये 2 साल पुरानी मेरी गन हो चुकी है। और दोस्तों देखिए ये इस गन की जो सबसे खास बात है, इसमें ट्रिगर दिया गया है, ये अंगूठे से चलाने वाली नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल गन की तरह चला जाती है और इस तरह से पकड़ के जो है सेट दिया जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये यहाँ पे देखिए आप, ये जो है यह एक रिंच दी गई है, मतलब क्या देखिए आप यहाँ पर लगाने के लिए, जैसे आपको कुछ सेटिंग वगैरह करनी है तो यहाँ पर ये इसको लगा करके जो है आप सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटी चाबी दी गई है इसकी, तो इसको हम रख देते हैं और आपको डिटेल पूर्वक दिखाते हैं कि ये गन जो है किस तरह से चलाई जाती है और किस तरह से ये सेट की जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हमने इसमें लगा दिया, और ये देखिए आप, ये इस गन की टंकी है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक की बनी हुई टंकी है, और ये देखिए इसमें कलर भरते हैं, उसमें बहुत सारा कलर लगा भी है आप देख सकते हैं, क्योंकि इसी की मदद से जो है हमने इस बार मूर्ति आप लोगों को पेंट करके दिखाया था दुर्गा पूजा पे, मतलब दुर्गा पूजा में। और आप देखिए कुछ इस तरह से इसको इसमें कस देते हैं, और इस तरह से लगाने के बाद में यह देखिए ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाती है, और इसमें ये टंकी खोल के इसी में कलर भरेंगे और फिर बाद में इसको ऐसे कलर करेंगे। दोस्तों अब हम इसको इसके अंदर दिखाते हैं, यह देखिए दोस्तों ये पाइप है, तो ये पाइप में ये वाला जो भाग है ये हमको गन के साथ में मिलता है और ये हमको अलग से खरीद के लगाना पड़ता है। दोस्तों फिर इसको जो है हम इसमें टाइट करते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से, और टाइट करने के बाद में ये आप एक तरह से कर सकते हैं कि मोटी पाइप से पतली पाइप कन्वर्ट करने वाला कन्वर्टर समझ लीजिए इसको आप। ये देखिए अब इसको मोटी वाली पाइप, जो कंप्रेसर मशीन में मोटी वाली पाइप होती है उसमें इसको हम कस देंगे, और कसने के बाद में जब इसमें ईयर आने लगेगा तब हम सेट देंगे। दोस्तों बहुत ही प्यारी गन है, बहुत ही अच्छी है, चलाने में बहुत आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये इसके अंदर जो है, इस गन के सभी कल पुर्जों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सा पुर्जा इसके अंदर कहाँ पर लगाया गया है। या देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से इस गन के सभी कलपुर्जों के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं फुल डिटेल जानकारी दी गई है। दोस्तों ये हमारी जो है, ये इस गन का जो मॉडल है वो AC-60 है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों AC-60, ये आर्ट मास्टर
गन के बारे में पूरा लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये देखिए सभी कल पुर्जों के बारे में फुल डिटेल जानकारी दी गई है दोस्तों। तो अब इसको हम पैक करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि ये गन किस प्रकार से है। और दोस्तों हम आपको सजेस्ट करते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये गन बहुत ही बेहतरीन है मूर्ति कलर करने के लिए, मूर्ति में शेड देने के लिए। तो दोस्तों आप भी इसी गन को मंगाइए। अब दोस्तों बात करते हैं ये गन मिलेगी कहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने तो देख लिया ये गन, इस गन के बारे में हमने आपको दिखा दिया, पर अब आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि ये गन कहाँ मिलेगी। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने इस गन को आपको दिखा दिया, इसका आप जो है इसको आप देख लीजिए, और देखने के बाद में इसको आप अपने यहाँ मार्केट में ढूंढिए। अगर आपके मार्केट में मिल जाता है तो खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं मिलता आपके मार्केट में ये गन, तो आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा। दोस्तों मैंने तो इसे ऑनलाइन ही मंगाया था दोस्तों, ये ऑनलाइन जो है अमेज़न पर उपलब्ध है, और मैं इसका लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को देखिए और उस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद में ऑनलाइन आप मंगवा लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि कंप्रेसर मशीन का पेंसिल गन का सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है, आप किस मॉडल को मंगवाइए, कौन सा मॉडल सबसे बेटर रहता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।